पे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पे खराब काम कभी भी नहीं हो पाएगा जब तक हम यहाँ पे खड़े हैं। मैं किसी जाति धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, मैं संविधान को रिप्रेजेंट करता हूँ जो सभी को करता है। और अगर हम इस्लाम की भी अगर बात करें, इस्लाम में जो 5 पिलर माने जाते हैं, अगर मेरी गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं नया आदमी हूँ। मैं बचपन में जब मैं छोटा था बचपन में हमारे घर के बाजू में एक सैयद अंकल रहते थे जो बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर है और इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर है। उनसे मैं चीजें सुनता था और तब से वो एक धर्म के बारे में एक वो अलग पिक्चर जो होती है अच्छी, वो कि जो 5 पिलर होते हैं, फिर नमाज होता है, कोई 5 बार नमाजी होता है 5 टाइम का, कोई 1 बार होता है, उसके बाद में जकात होता है हमारा, उसके बाद में हज भी होता है, और उसके बाद में रमजान मतलब जो हम उपवास करते हैं खुद को 1 महीने के लिए। ये है हमारे धर्म के पिलर होते हैं। अगर हम सच में पढ़ाई करते हैं, जो भी ये जिसने भी ये किया है, अभी तो हम इमीडिएटली बैठ के पहले तो ये मस्जिद का सिक्योरिटी के लिए नया एक VDP का टीम गठन करेंगे, आज ही गठन होगा, आज दोपहर में ही गठन होगा, इमीडिएटली VDP का टीम गठन होगा, और प्लस CCTV हो या बाकी सिक्योरिटी किस तरीके से कर सकते हैं कमेटी के साथ बैठ के, वो भी नेक्स्ट 24 आवर के अंदर डिसीजन लेके इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, आप उसका चिंता मत कीजिए। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि कोई धर्म कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि चीज खराब होती है, कभी भी नहीं सिखाता। मैं कम से कम 3 मजहब का तो 4 मजहब का मैं पढ़ चुका हूँ, इस्लाम में हो, कुरान की कमेंट्रीज हो, भगवद गीता हो, सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहिब हो, ये सब हम देख चुके हैं। कोई भी मजहब नहीं सिखाता है कि कभी किसी गरीब आदमी को दिक्कत देना। मैं मेरे खुद के एग्जाम्पल से, मतलब पहले दिन तो मैं सुन रहा था लेकिन पिछले 12 घंटे से तो मैं खुद फील कर चुका हूँ कि जब अपना कोई उस दंगे में फंसता है, दंगा में जो कोई जिसको भी दिक्कत होता है, जिनको घरों को जलता है, वो कभी भी धर्म देख के या किसी का नाम देख के नहीं जलता है। गरीब आदमी का जलता है, जो रोजी रोटी कमाता है उसका घर जलता है। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी जाएंगी, लेकिन रोग हमेशा यहीं पर रहेंगे, हम भी हमेशा यहीं पर रहेंगे, हमारा घर हमेशा यहीं पर रहेगा, हमारे लड़के बच्चे यहीं पर रहेंगे। तो इस एरिया का परिवेश अच्छा रखना ये हमारा ही कर्तव्य होता है। हम कभी भी, और आपको अगर कभी भी लगता है कि पुलिस किसी के अंडर काम कर रहा है तो मुझे डायरेक्टली, ये सब लोग मुझे जानता है, यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, बरपेटा वाला हो, हमारा दोस्त यहाँ पे आया है, बरपेटा वाला है, बक्सा वाला डिस्ट्रिक्ट का है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले 1 साल से तो मैं खुद ही SP ऑफिस में बैठता हूँ तो मैं जानता हूँ, और मैं हमेशा हक से कहता हूँ। आज भी जब मुझे ऊपर से बात हुआ मेरा, तो हमने ऊपर बताया सर कल्पाने का लोगों को मैं जानता हूँ, NRC के टाइम पर भी मुलाकात हुई थी, सब लड़कों से हमेशा मुलाकात होती है, कभी कुछ गलत होता है उसको सुधारने के लिए, और आज भी हमें पता है कि सर ये जिस एंटी सोशल एलिमेंट ने काम किया है, भले वो किसी पार्टी का हो, किसी कम्युनिटी का हो, किसी उम्र का हो, इसको हम सबक सिखाएंगे। खुद आ गया मैंने सुबह, इब्राहिम हो या हमारा या झाकिर हो या हमारे SDPO हो, OC सहीदुर हो, इनको भी मैंने बताया था मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ, मैं दूर से नहीं काम करता हूँ, मैं लोगों के बीच में रहकर काम करने में हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बिलीव करता है। मैंने पहले ही इसलिए पहले ही लाइन बता दिया, सिक्योरिटी का इंतजाम पहले होगा, आदमी को पकड़ने का अभियान इमीडिएटली स्टार्ट हो भी चुका है, हमने ऑलरेडी सोर्सेस लगा के शुरू भी कर दिया है, और आप ऐसा बिल्कुल मत समझे कि हम कहीं बाहर का है, हम यहीं का है, इसी मिट्टी का है, इसी जगह का काम कर रहा है, भले वो कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट हो, आज तक ना उसको कभी बख्शा गया है और ना इसके आगे कभी बख्शा जाएगा। बाकी भारत में जो हो रहा है, हमने WhatsApp मीडिया में बहुत बार रूमर फैलता है, कुछ भी चीज फैल जाता है, कहीं बाहर का किसी दूसरे देश का भी वीडियो फैल जाता है, और हम अपने घर में बैठ के हमें छाती पे एकदम से प्रेशर आ जाते हैं, ये क्या हो रहा है हमारे देश में, हमें बाकी का पता नहीं, बट ये हमारा जो एरिया है, हमारे एरिया हम शांत रखेंगे, हम ये पीस कमिटी बनाएंगे जिसमें हमारा पुलिस का और मैं, हम खुद भी शामिल रहेंगे पीस कमिटी में, हमेशा इसका एक एक मीटिंग होता रहेगा, और उस पीस कमिटी में सिर्फ शांति का नहीं, इस एरिया के डेवलपमेंट का भी जो भी मुद्दा है वो भी हम लेते रहेंगे। हमने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में 4 जगह पे पीस कमिटी तैयार किया हुआ है और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी। सिक्योरिटी तो हम रखेंगे ही रखेंगे, बट उसके साथ इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी हम इसके आगे काम पीस कमिटी के थ्रू भी काम करेंगे। मुझे गारंटी है ये जो लिमिट होता है ये हम खुद के ऊपर भी डालते हैं,
एक हमारा भी प्रेशर रहता है, हमारा खुद का भी एक कॉन्शियस रहता है, हमारा खुद का भी एक अलर्टनेस रहता है कि हमारा एरिया है, हम अपने एरिया में गंदा नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। भले वो खुद मेरे घर का भी आदमी हो, लेकिन गलत काम करेगा सजा 101% पाएगा, किसी को नहीं बख्शेंगे। लेकिन उतना भरोसा हम पे रखिए, आज तक आप लोगों ने हम पे भरोसा किया है, भले वो NRC का हो, भले वो बाकी कौन सा भी एरिया हो, हमने भी हमेशा अपने लोगों पे भरोसा किया है। मैं आशा रखता हूँ कि आप अभी भी हमारे ऊपर वर्दी पे भरोसा रखेंगे। हम अपने घर से दूर आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, हम किसी दूसरा किसी काम नहीं। और कभी भी ये मत समझे कि आपको आंदोलन करना आपका अधिकार होता है, लेकिन आंदोलन हमारे खिलाफ, हम कोई अपोजिशन वाला पार्टी नहीं है, हम आप ही के लिए काम करता है। आप ही लोगों के बीच में से कुछ लोग आएगा जो इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके वजह से हमारे ही बीच में जो रहता है, जो दो नंबरी काम करता है, वो तो चाहता है कि एरिया खराब हो, तभी तो ये काम करता है, नहीं तो इतना पाक किताब को हाथ लगा के किसको क्या मिलेगा बताइए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग ये चाहता ही है कि एरिया का परिवेश खराब हो। अगर हम लोग आपस में झगड़ेंगे, अगर हम लोग आपस में झगड़ा करेंगे, अगर हम लोग आपस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो हम उन लोगों का जो मंसूबा है उसी को हम बढ़ावा देते हैं। खराब आदमी को सबसे बड़ा सजा ये नहीं होता है कि उसको सजा मिले, खराब आदमी का सबसे बड़ा सजा ये होता है कि वो जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य से काम करता है, उसको हम सक्सेस ही नहीं होने देंगे। हम अपना एरिया खराब नहीं होने देंगे, हम बता देंगे कि जाए जाए कोई भी आए, बाहर से आए, अंदर का खराब आदमी हो, हमारे एरिया हमेशा पीसफुल था, है और रहेगा। पुलिस आप लोगों के साथ है, हमें गारंटी कि आप हमारे साथ हैं। हम इमीडिएटली काम स्टार्ट कर चुके हैं, मैं यहाँ पे आके हमने इमीडिएटली सीजर से लेके सब काम स्टार्ट करवा दिया, क्योंकि हम लोगों के लिए काम करते हैं। कभी भी दिक्कत हो हम आपके लिए ही यहाँ बैठा हुआ है, कभी भी हो। आज तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लड़के हो, आज तक कभी भी पूछो कि हमने किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कभी भी किसी के ऊपर गलत फहमी में गलती से कभी भी प्रेशर आज तक नहीं किया है, क्योंकि हम मानता है कि सारा लड़का लोग हमारा है, जो गलत काम किया है उसको सजा मिलेगा, जो गलत काम नहीं किया है उसका करियर हम कभी खराब नहीं होने देंगे। तो हमारे ऊपर भरोसा रखिएगा, हम ये अपना काम बेझिझक करेंगे, बिना किसी का प्रेशर के, और कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, ये बात आप जान लीजिए। हम बिंदास काम करने वाले लोग हैं, आयन के हिसाब से काम करने वाले लोग हैं, और आयन से जो भी जस्टिस है वो उस आदमी को पकड़ के 101% लाएंगे ही लाएंगे। ऑलरेडी यहाँ का काम हमने स्टार्ट कर दिया है, हमारे ऊपर भरोसा रखो। मैं लड़कों को भी जानता हूँ, यंग लड़का लोग रहता है, मैं यंग लड़का लोगों को वही जानता हूँ कि हमें इकट्ठा होके हमारे मजहब का काम, हमारे सोसाइटी को हम तभी आगे ले जा पाएंगे जब हमारे एरिया में शांति और लॉ एंड ऑर्डर पीसफुल रहता है, तभी हमारा इन्वेस्टमेंट आता है, काम चलता है। गलत आदमी को सजा दिलवाने के लिए हमें मदद कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी गलत काम करने वाला हमारे चंगुल से नहीं बचेगा। जय हिंद। जुरिया से पब्लिक के 2-3 डिमांड है, हम मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी हूँ। पहली डिमांड है सर, ये इससे पहले 2 घटना हुआ था, एक घटना आपको इन्फॉर्म मैंने किया कमेटी से, उसके बीच में और एक घटना हुआ, अभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं किया, ये तीसरा घटना है। सर पब्लिक से ये डिमांड है, जिसने ये काम किया है जल्दी से जल्द उसको इन्वेस्टिगेशन करके, उसको गिरफ्तार करके सजा मिले। हमने पहले ही बता दिया, मेरा पहला ही डायलॉग यही था, बाकी भाषण बाद में करूंगा। हाँ, इमीडिएटली स्टार्ट हुआ है, कुछ डेटा हम सेंट्रल से भी मंगवाते हैं, यहाँ से भी मंगवाते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, एक दूसरा दिन मैक्सिमम। हाँ, बट उसके पहले भी मेरा ऑलरेडी सोर्स का काम शुरू हो चुका है, बाकी लोगों को भी पता है, जिनको पता है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल भी किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, ये गारंटी। दूसरा है सर, ये धर्म का ऊपर हमला किया, इसलिए ये मस्जिद लेकर अगर कोई राजनैतिक और अराजनैतिक कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई राजनैतिक दल ये मस्जिद लेके जब राजनीति करेगा, ये पब्लिक का डिमांड है, उसको इन्वेस्टिगेशन में आना है, ये मस्जिद लेकर के कोई राजनीतिक मत करना। अगर पब्लिक इतना मैच्योरली डिसीजन लेता है कि हमने राजनीति नहीं होने देनी है, उससे मैच्योर पब्लिक मैंने नहीं देखा है अभी तक, और हम भी अप्रिशिएट करता है, और मैं भी जानता हूँ। देखिए, ये जो फेसबुक लाइव होता है या
हमने अपने एरिया को रूमर नहीं फैलने देना है। हमारा एरिया है, हम हमारे एरिया को लेकर रूमर आज तक नहीं फैलने दिया है। हमारा डिस्ट्रिक्ट कभी भी कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमने लोगों में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व किया। मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट